गाइस अब तो स्कूल स्टार्ट हो गया है, हम लोग को अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या बोलते हो? हाँ यार, इससे अच्छे तो ऑनलाइन क्लासेस थी, कम से कम पढ़ने तो नहीं पड़ते थे। और पता है क्या होता था, कभी कभी मैं जब कैमरा चलता था तो मैं उसके ऊपर बुक रख देती थी और मैं सो जाती थी, मैम को कुछ पता ही नहीं चलता था। छोड़ यार ये सब, तुम सबने छुट्टियों में क्या क्या कुछ किया भी या नहीं किया, या सोते रहे पूरे दिन? मैंने तो बस पूरे टाइम पतंगे उड़ाई है और मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने तो पूरे टाइम बस रील्स ही रील्स बनाई है। गाइस सुनो, इस बार स्कूल का हेड बॉय चेंज होने वाला है, इसके बारे में कुछ पता है क्या किसी को? हेड बॉय चेंज हो रहा है? यार काश कोई हॉट सा हैंडसम सा लड़का हेड बॉय बने और उसके लिए हेड बॉय। ओ मैडम, सपनों की दुनिया से बाहर आ गए, जरा इधर भी देख, न्यू एडमिशन खड़े हैं। यार यहाँ तो बहुत से नए चेहरे दिख रहे हैं, कभी दिखे नहीं स्कूल में। यार वो सब तो ठीक है, पर वो चेहरा कहाँ है जिसे मेरी आंखें ढूंढ रही हैं? अरे वो देख, रोहित फिर से झगड़ा कर रहा है। अबे क्या यार, एक तो तूने झंडू सा बॉयफ्रेंड बनाया है। तू क्या चाहती है, तो इसको बना लूँ, इससे तो अच्छा ही है। देख कैसे हंस रहा है। एक तो इतना स्टेटमेंट है, बेचारे को घेर लिया सबने। अरे यार जाके देखो कोई उसे। अरे अरे यार मैं नहीं जा रहा, उसकी जान से ज्यादा मुझे अपनी जान प्यारी है। अब यार सुबह स्कूल आना पड़ जाता है, मम्मी पापा भेज देते हैं। और बता तू आजकल क्या कर रहा है? मैं भी तो तेरे साथी हूँ। अरे ओ करियर की बात कर रहे हैं। अबे तू तो करियर की बात तो कर ही मत। अरे ओ क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, 3 साल से तुम फेल हो गए, 12वीं में पढ़े हो, आगे जाने की तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है? अच्छा तो बेटा अब तू सिखा हमें। अरे वो सब छोड़ो यार, और बता रवीना भाभी कैसी है? कौन रवीना? अरे वो तेरी बंदी रवीना जिसके साथ तो दिन भर घूमते रहता है। ओ अच्छा वो, और भाई तुम लोग उसकी क्यों याद दिला देते हो? यार ये बताओ स्कूल में कुछ करने के लिए तो है नहीं, क्या कराया यार? अरे वो क्यों नहीं है, देखो आ गया नया बकरा। Bring the action. Bring the action. वे, सुन क्या है? लगता है इसके घर वालों ने इसको तमीज नहीं सिखाई। किस सीनियर से कैसे बात करते हैं भाई, आज ही आया लगता है। तो क्यों ना इसकी पहली क्लास हम ही ले लें? सुन बे, स्कूल में भले ही नया हूँ, पैदा बहुत टाइम पहले हो चुका हूँ, ठीक है? ऐसा मारूंगा ना क्लास में बैठना भूल जाएगा। अरे भाई पागल है तू, ऐसे कैसे जाने दिए इसको? छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे। हाँ भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर कुछ नहीं। 10 बज गए हैं और तुम लोग अभी तक क्लास में नहीं गए हो? सर बस जा ही रहे थे, सर। ये बाइक किसकी है? ये स्कूल तुम्हारे बाप का है जो यहाँ बाइक लेके आते हो तुम? सर हमारी नहीं है सर। 12वीं तो तुमसे पास हो नहीं रही है और तुम यहाँ बाइक लेके आते हो? फटाफट बाहर निकालो इसको, या तो तुम्हें बाहर निकालता हूँ मैं स्कूल से। तुम्हारी ना शैतानियाँ बहुत हो रही हैं, पेरेंट्स को बुलाऊंगा मैं तुम्हारे। क्लास में निकलो सब। जी सर, जा रहे जा रहे जा रहे। क्या साला, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई पैदल चलते चलते और ये स्कूल में बाइक लेके आते हैं। मेरा स्कूल है ये, पत्ता भी नहीं हिलता यहाँ मेरी मर्जी के बिना।
हूँ सर। कम है, थैंक यू। तुम ही हो ऋषि? वैसे तो आपके बारे में प्रिंसिपल ने बताया था, एंड स्टूडेंट ये ऋषि हैं, न्यू स्टूडेंट। ऋषि आप क्लास में ज्वाइन कीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अरे यार गाइस, ये तो वही सुबह वाला बंदा है जिसके बारे में मैं बता रहा था, इसके वजह से तो हम लोग प्रिंसिपल से पिटते पिटते बचे हैं। अच्छा टेंशन मत ले, हम दोनों मिलकर प्लान बनाएंगे। अरे सुन, जो बंदा सामने खड़ा है ना, उसको सबक सिखाना है, ये नहीं समझ आ रहा कैसे सिखाना है। चल तू देख, वो आता है तो मैं क्या करता हूँ। ओए सुन। हाँ बोल। तुझे पता है ये बॉयस क्या खिचड़ी पका रहा है? नहीं क्यों, क्या हुआ? यार मुझे लग रहा है ना कि ये लोग नए लड़के को फंसाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। सच में यार, ये जो नया लड़का है ना, कितना हॉट और हैंडसम है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं? अगर इन्होंने उसे बिना मतलब का फंसाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ यार तू सही बोल रही है, हमारे क्लास के बॉयज है ही ऐसे। हाँ यार कितना हॉट है ना यार, वो जब क्लास में एंट्री मार रहा था बहुत हॉट लग रहा था। यार मैं तो सोच रही हूँ अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ। और तुम सब अपना छोड़ो, पहले मेरा सोचो प्लीज। तुम सब जाने दो, वो तो मेरे सपनों का राजकुमार है। रुक जाओ, सांस तो लेने दो। ठीक है तो सांस ले ले, हम तब तक बात करते अपना। तेरा जो वो बॉयफ्रेंड है ना, वो राधिका के साथ फ्लर्ट कर रहा है। क्या? अच्छा उसको तो मैं जाके बताती हूँ। गर्ल्स तुम वेट करो, मैं आती हूँ। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको। ये दुनिया, ये क्या कर रहे हो रोहित? आप क्या हो सोचते? चल झूठा, सच में सोचते? अगर तेरी लैला ने देख लिया ना तो मार मार के उल्लू बना देगी। ऐसा मैं आए दिन करता रहता हूँ, उसको पता चलेगा जब ना। तुम छोड़ो उसे, तुम चिल करो। तुम दोनों ना साथ में बहुत सही लग रहे हो, ऐसे ही हो तुम दोनों एक जैसे। हम दोनों के बीच कुछ ऐसा नहीं है। तू तो चुप ही रहे और निकल यहाँ से। तुम अपनी हरकतें सुधार नहीं सकते ना, और मैं वैसे भी तुम्हें छोड़ने ही वाली थी। अच्छा सुनो, सुनो तो सही, सुनो। क्या हो रहा है ये, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर सर कुछ नहीं सर, बात कर रहे थे सर। क्या हो रहा है ये, पढ़ने लिखने आते हो या आशिकी करने आते हो तुम? सर सर जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बस मैं उनसे बात कर रहा था सर। जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, उसका प्रिंसिपल हूँ मैं। बेटा मेरे से होशियारी नहीं, और ये लो अपना रेस्टिगेशन लेटर, आना मत आज के बाद यहाँ पे। आइंदा स्कूल आओगे तो अपने पेरेंट्स को लेके आना, वरना शक्ल मत दिखाना मेरे को अपनी। सर सॉरी सर, आइंदा से नहीं करूँगा सर। सर प्लीज़ सॉरी सर, सर सॉरी। बच्चों में कुछ क्वेश्चन निकालूं जब तक कोई शोर नहीं मचाएगा। ये फोन किसका बज रहा है? कौन क्लास में फोन लाया है? सर ये लाया है फोन, इसी के बैग में फोन बज रहा है। हाँ सर इसी के बैग से आवाज आ रही है। नहीं नहीं सर, मैं कोई फोन नहीं लाया। अच्छा बैग तो चेक कराओ अपना। ये कौन लाया, मैं लेके आया हूँ। नहीं नहीं सर, पक्का किसी ने फंसाने की कोशिश करी है। अच्छा बेटा तो ये तो मैं फंसाता हूँ, निकल बाहर मेरी क्लास से। यार गाइस आज अच्छे खासा आए थे स्कूल में, आज बेचारे को खामे का फंसा दिया, पता नहीं किसके काम है ये। हाँ यार दिखने में तो शरीफ सा था, बेचारे को फालतू में फंसा दिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। आज जो क्लासरूम में फोन का सीन हुआ था ना, मुझे उसके बारे में आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ, कौन लेके आया था? हाँ वो जो देव है ना, वही लेके आया था, और ऋषि को फंसाने के लिए उसने बैग में फोन डाल दिया। ओ, मुझे प्रिंसिपल ने बताया था कि वो बहुत पढ़ने वाला लड़का है, लेकिन मेरे को ये विश्वास नहीं कि वो फोन लेके आया है। कोई नहीं बेटा आप क्लास में जाओ। तो बच्चों हम नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आप सबसे कुछ शेयर करना है। हाँ सर बताइए ना क्या बात है।
तो बच्चों मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है और मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ। सर कौन सी गुड न्यूज़? सर कौन सी गलती? बता रहा हूँ लेकिन उसके बाद ये भी बताऊँगा आपको कि आपके स्कूल का हेड बॉय कौन बनेगा। सर हेड बॉय बताइए ना, कौन है हमारे स्कूल का हेड बॉय? आओ बेटा। तो बच्चों ऋषि हमारे स्कूल का हेड बॉय, तो इसके लिए क्लैप कीजिए। पर सर ये तो स्कूल में फोन लेकर आया था और आपने इसको निकाल भी दिया था। हाँ सर, ये कैसे बन सकता है हेड बॉय? तो बेटा बात यह है कि ऋषि को फंसाने की कोशिश की गई थी। सर फंसाने की कोशिश करी थी, हम भी तो जाने किसने फंसाया। तो मैं बताता हूँ ऋषि को किसने फंसाया था। देव ने ऋषि के बैग में फोन डाल दिया था। पर सर आपको कैसे पता ये? तो बच्चों स्कूल में कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ बुरे बच्चे होते हैं, जिसमें से किसी ने मुझे ये बात बताई, तो उस बच्चे के लिए क्लैप कीजिए। तो करिश्मा के लिए सब क्लैप कीजिए। थैंक यू सर। तो सॉरी ऋषि, मुझे नहीं पता था कि आपकी गलती नहीं है। Hey everyone, this is Side Rakesh. I'm the founder and CEO of Celebrity Phase India. And guys, बहुत best opportunity आप सभी के लिए अपनी acting career start करने के लिए। Celebrity Phase के back to back new web series आ रही है, school के best days आ चुका है, father and son की story आ रही है, मेरी एक already running है, 3-4 और web series में हम काम कर रहे हैं और उन सब पे आपको opportunity मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको day one से ही हम acting कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो, बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग, मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू।